हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। मतलब कि आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि टेलीफोनिक कन्वर्जेशन के अंदर हम कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम टेलीफोनिक कन्वर्जेशन से जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, किस किस तरह का प्लेस हमें चुनना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आज हम देखने वाले हैं जो कम्युनिकेशन है वो हम बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में इन डिटेल हम इस लेक्चर के दौरान सीखेंगे कि किस तरह का बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, उसमें किस किस चीज़ की आपको अटेंशन रहना होगा, किस चीज़ पर आपको फोकस देना होगा, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कम्युनिकेशन के जो भी आज टॉपिक है, मतलब कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो उसके अंदर हम कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसका कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, दूसरा है बिजनेस कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, उसके अंदर हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके प्रोग्रेस के बारे में, उसके बाद उसकी टाइप्स, मतलब कि कितने टाइप्स के बिजनेस कम्युनिकेशन होते हैं, उसको किस किस तरह से हम रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तो वो सब देखने वाले हैं। उसके बाद है मॉडल्स के बारे में और उसकी लैंग्वेज स्किल के बारे में, तो वो सब हम बिजनेस कम्युनिकेशन के इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या है। तो हमने आगे भी देखा था कि आगे के लेक्चर में देखा कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, हम कैसे कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसके भी टाइप देखा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस मीनिंग टू शेयर, मतलब कि जो ये कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से बना है, मतलब कि उसका जो कम्युनिकेशन का मीनिंग है वो किसे जनरेट होता है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, वो सब। तो जो लैटिन जो वर्ड है कम्युनिस, तो उसका मतलब क्या होता है, शेयर करना। मतलब कि जो लैटिन वर्ड से कम्युनिस है उसके ऊपर से ये कम्युनिकेशन वर्ड क्रिएट हुआ है। जो कम्युनिस का मतलब होता है शेयर, तो कम्युनिकेशन का भी मतलब हमें पता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम एक से या उससे ज़्यादा पीपल को शेयर करें या हम उसको दें, तो उसको क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। तो ये एक लैटिन वर्ड जो कम्युनिस है उसका मतलब भी शेयर है, तो उससे एक जनरेट हुआ है कम्युनिकेशन। तो ये आपको याद रखना है, आपको एग्जाम के अंदर भी आ सकता है एज अ गोल्डन एमपी कि जो लैटिन वर्ड कौन सा है जिससे कि कम्युनिकेशन वर्ड क्रिएट हुआ है, या वो कम्युनिकेशन वर्ड कैसे क्रिएट हुआ, तो वो आपको याद रखना। उसके बाद है कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट मैसेज और इन्फॉर्मेशन बाय स्पीच विजुअल सिग्नल राइटिंग और बिहेवियर। मतलब कि एक यहाँ पे आपको बोल सकते हैं शॉर्ट एंड आपको डेफिनेशन दी गई है कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन सिंपल आपको इतना याद रखना है कि आपको अपने स्पीच के दौरान या विजुअल इमेजेस के दौरान या आप सिग्नल्स के दौरान राइटिंग या अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज पास आउट करते हो, तो वो वन टाइप ऑफ क्या है, एक कम्युनिकेशन ही है। मतलब कि आप किसी दौरान आप कोई स्पीच दे रहे हो तो वहाँ पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन तो शेयर करोगे, सामने वाले व्यक्ति को कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन ही हो गया। आप कोई विजुअलाइजेशन के जरिए सामने वाले कोई भी पर्सन को कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो वो वन टाइप की कम्युनिकेशन हो गया। तो वैसे आप सिग्नल कर पे भी वो कर सकते हो ना, कोई भी सिग्नल, कोई भी इशारा करके अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, तो वो सारा का सारा हम कर सकते हैं, तो वो वन टाइप ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन ही है ना। तो ये कम्युनिकेशन की आपको यहाँ पे एक शॉर्ट एंड डेफिनेशन दी गई कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो आपको ये याद रखनी है कम्युनिकेशन इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ एन आइडिया एंड फीलिंग सो डेट सेंडर एंड रिसीव शेयर द सेम अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि मैंने कहा वैसे कि ये कम्युनिकेशन है क्या एग्जैक्टली, कि आप अपने आइडिया और फीलिंग शेयर करते हो कोई दूसरे पर्सन के साथ। एग्जैक्टली देखने जाए तो सेंडर और रिसीवर दोनों अपने आइडिया और फील एक दोनों के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे कि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड हो सके। तो ये वन टाइप ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन है। तो ये हमने देखे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन की सके थे इसको इंट्रोडक्शन देखा। अब उसके हम डेफिनेशन देते हैं कि एकदम प्रोफेशनल वे में हम देखे जाए तो कम्युनिकेशन की सके थे। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डेफिनेशन दी गई है, तो देखते हैं उसको। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेक्शन सिलेक्शन प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साइन इन सच अ वे एज टू हेल्प रिसीव एंड मीनिंग सिमिलर टू दैट द माइंड ऑफ द कम्युनिकेटर। मतलब कि मैंने कहा वैसे ही आगे कि एक कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है उसके अंदर सिलेक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, और जो डिटेल होती है ना उसका ट्रांसमिशन होता है। मतलब कि एक से दूसरे तक जो सेंडर है वो रिसीवर तक कोई भी क्या करता है,
इंफॉर्मेशन पास आउट करता है, तो रिसीवर उससे कुछ अपने माइंड के अंदर उसके रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, वो रिस्पॉन्स हमें देता है। तो ये क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस भी बोल सकते हो इसको, डेफिनेशन है। तो अब हम देखने वाले, यहाँ तक तो हमने देखा कि कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे हम कह सकते हैं, इसकी हमने डेफिनेशन भी देखी। बट अब जो आज का हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम देखने वाले बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। अभी तक हमने देखा वो सिंपल कम्युनिकेशन की डिफिनेशन थी, मतलब कि सिंपल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, किस तरह से किया जाता है वो सारा। बट अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखने जाए तो कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्यों करते हैं, तो वो सब हमें देखना है। तो देखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन डेफिनेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज परफॉर्म फॉर द कॉमर्शियल बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन इतना है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई पीपल किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसके कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए कोई भी डिटेल पास आउट करता है, तो वो क्या हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया। मतलब कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका जो कॉमर्शियल बेनिफिट है, उसका परफॉर्मेंस है, उसको बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह का आप कम्युनिकेशन करते हो, तो वो क्या हो गया, एक बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब कि आप कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के साथ कोई भी कन्वर्जेशन करते हो तो वो एक वन टाइप ऑफ क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन ही है। तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन दी गई है, ये आपको याद रखनी है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP की तरफ भी आप यूज लिख सकते हो, बिजनेस कम्युनिकेशन डेफिनेशन। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट, मतलब कि हमने जो बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्या हमारे लाइफ में वो ज़रूरी है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो वो सारा अब हम देखने वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्या है। इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड स्किल डिसाइड अ पर्सन करियर। मतलब कि आज के हम जो वर्ल्ड के अंदर देखने जाए तो एक मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आपकी जो स्किल है कम्युनिकेशन, वो आपकी स्किल के साथ एक करियर के साथ जुड़ी हुई है। मतलब कि आपके पास जितना भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, जितना आप उसको इम्प्रूव करेंगे, उतने ही पास आपका सक्सेस रहेगा। बेटर द कम्युनिकेशन स्किल हायर आर द चांसेस ऑफ टचिंग द सक्सेस। मतलब कि मैंने कहा वैसे कि जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है उतना ही आप किसी वर्क को या किसी एडेंजा उतना ही आप अपनी वर्क को और अपना कोई एजेंडा है या अपना कोई गोल है वो क्लियर कर सको। तो ये एक बात याद रखनी है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल है वो डेली टू डेली इम्प्रूव करनी चाहिए, जो एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरह एक जरूरी स्किल की तरह आप यूज कर सकते हो या ले सकते हो। द न्यू ग्लोबल एंड डिजायर वर्क प्लेस रिक्वायर एक्सीलेंट स्पोकन एंड राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल। तो आज के जमाने में हम देखने जाए कि ये मॉडर्न जो जमाना है उसके अंदर जो ग्लोबल और डिजर्व वर्क प्लेस है उसके अंदर एक रिक्वायर्ड स्किल रहती है, वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। मतलब कि आप किसी मल्टी लेवल कंपनी में जाए या किसी भी तरीके से उसके साथ काम करना है, आपको उसके साथ वर्क करना है, तो वहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आप उसके साथ अच्छा अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है। उसके अंदर आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड स्किल है वो क्या है, स्पोकन और राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि हमने आगे उसको इन डिटेल में देखा था कि राइटिंग स्किल हमारी कैसी होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल हमारी कैसी होनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे इम्प्रूव करनी होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट देखा कि इम्पोर्टेंट क्या है रियल लाइफ के अंदर जो बिजनेस कम्युनिकेशन। तो एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो आपकी रियल लाइफ है वो कम्युनिकेशन की एक स्किल से जुड़ी हुई है। तो आप कहीं भी जाओगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी या आप उसको इम्प्रूव की होगी तो आपका क्या होगा कि सक्सेस आपके पीछे दौड़ता है, मतलब कि आप उसको आसानी से कैच कर पाओगे। ये बात आपको याद रखनी है। और अभी जो देखने जाए कि ग्लोबल वर्क प्लेस है तो उसके अंदर मेन रिक्वायरमेंट किसकी रहती है, स्पोकन एंड राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल। मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए जो बिजनेस लेवल के आपको कोई भी वर्क करना है तो ये बात याद रखनी। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, तो आगे हमने पहले देखा कि जो कम्युनिकेशन स्किल है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल किसे कहते हैं, उसके बाद हमने उसका इम्पोर्टेंट देखा। अब हम देखने वाले कि हम प्रोसेस क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन हमें किसी तरीके कैसे करना है, तो हम किस किस तरह की प्रोसेस या स्टेप को फॉलो करके हम हमारा कम्युनिकेशन सक्सेस बना सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखते हैं, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय इंफॉर्मेशन इज
एनकोड चैनल एंड सेंड बाय अ सेंडर टू अ रिसीवर वाया सम मीडियम। मतलब कि आगे भी लेक्चर में हमने ये प्रोसेस देखी थी, तो उसके जैसे ही है बिजनेस के अंदर। कि यहाँ पे क्या होता है, जो सेंडर होता है ना, मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन करना चाहता है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है, वो क्या करता है, सबसे पहले तो अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके रखता है, उसको फिल्टराइज करता है, उसको एनकोड करता है, और वो किसी चैनल के थ्रू, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या करता है, रिसीवर को भेजता है, उसको ट्रांसमिट करता है। तो ये एक प्रोसेस है, एक आप लाइफ साइकिल भी बोल सकते हो कम्युनिकेशन स्किल की। ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर अ सेंडर, अ चैनल, अ मैसेज, अ रिसीवर एंड द फीडबैक। जो यहाँ पे आपको फॉर्म दिए गए, ये आप पोर्शन की तरह भी ले सकते हो, एक आप कम्युनिकेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट भी ले सकते हो, जो सेंडर है, चैनल है, मैसेज, रिसीवर और फीडबैक। तो ये जो पांच टॉपिक है ना, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है कम्युनिकेशन के। इसके अंदर कोई भी एक पोर्शन मिसिंग रहेगा तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को सक्सेस बना नहीं पाओगे, आप अपना कम्युनिकेशन सक्सेस तरीके से क्रिएट नहीं कर पाओगे। जो आपके अंदर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो बट वहाँ पे सेंडर ही नहीं है, मतलब कि जो मैसेज या कोई भी कम्युनिकेटर ही नहीं है, तो वहाँ पे आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे, रिसीवर अपना मैसेज कैसे ले पाएगा। तो ये भी है कि ज़रूरी है सेंडर होना चाहिए। चैनल मतलब कि सेंडर हमारे पास है, मतलब कि कम्युनिकेशन करना चाहता है, वो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है वो भी पर्सन है, बट उसके पास जो रिसीवर को भेजना है वहाँ तक का कोई मीडियम नहीं, मतलब कि वो कैसे भेजे अपना मैसेज रिसीवर को, तो उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई चैनल नहीं है, तो हमारा कम्युनिकेशन सक्सेस नहीं बन पाएगा। तो चैनल की भी ज़रूरत रहेगी और मैसेज। तो तीसरा है मैसेज। मैसेज का मतलब क्या, कि जब कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका कोई एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका कोई मैसेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, जो आप किसी पर्सन के सामने शेयर कर सके, बट आपके पास कोई मैसेज ही नहीं है, तो आप अपना कम्युनिकेशन कैसे क्रिएट कर पाओगे। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन की तरह आप ले सकते हो। चौथा है रिसीवर। तो रिसीवर, तो आप मैसेज भेज भी रहे हो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, बट सामने कोई रिसीव करने वाला है ही नहीं, तो आपकी बात सुनेगा कौन, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन कैसे क्रिएट पे। तो ये बात आपको याद रखनी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल आप पोर्शन कह सकते हो फीडबैक। फीडबैक एक क्या है, इसको हमने इन डिटेल आगे के लेक्चर में भी देखा था कि फीडबैक के ऊपर किस तरह का हम फीडबैक दे सकते हैं, किस किस तरह से हमें ध्यान रखनी है, किस चीज़ पे हमें फोकस रखना है, वो सारी की सारी हमने फीडबैक के अंदर देखी। वहाँ पे मैंने कहा था कि फीडबैक एक क्रिटिकल है, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेस हुआ है क्या नहीं, हम कम्प्लीटली हमारी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, उसके अंदर से जो हमारा रिस्पॉन्स हमें मिलता है, तो उस रिस्पॉन्स के ऊपर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा रहा, हमारी जो बात है वो सामने वाले पर्सन के अंदर अंडरस्टैंड हुई है का नहीं, तो वो किसके अंदर होगा, फीडबैक के अंदर। तो ये बात याद रखनी। हाइड्रेंस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड नॉइस। मतलब कि जो कम्युनिकेशन के अंदर जो भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना, उसको क्या बोल सकते हैं आप, नॉइस क्रिएट बोल सकते हो। तो ये हो गई कम्प्लीटली आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर आपके जो फॉर्म दिए गए, फाइव फॉर्म, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है। पहला है सेंडर, मतलब कि मैसेज जो सेंड कर रहा है या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो। दूसरा है चैनल, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला पर्सन है वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब कि टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी भी तरीके से वो दे सकता है, तो वो चैनल होनी ज़रूरी है। उसके बाद मैसेज, मतलब कि वो क्या एजेंडा क्लियर करने वाला है इस कम्युनिकेशन के थ्रू, क्या अपने गोल क्लियर करने वाला है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है वो। उसके बाद रिसीवर, तो रिसीवर का मतलब क्या है कि जो भी मैसेज मिल रहा है वो कैसे, कौन रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। और फीडबैक मतलब कि जो रिसीवर ने अपना मैसेज मिल गया उसके बाद उसको जजमेंट लेकर क्या उसको फीडबैक करता है, मतलब कि क्या रिस्पॉन्स देता है सेंडर को, तो वो क्या हो गया, फीडबैक। तो ये जो प्रोसेस है वो आपको याद रखनी। यहाँ पे आपको चार्ट भी दिखाया गया, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से हमारी एक कम्युनिकेशन की लाइफ स्टाइल दिखाई गई, मतलब कि कैसे कम्युनिकेशन एग्जैक्टली वर्क करता है, यहाँ पे उसकी कम्प्लीटली साइकिल दिखाई गई। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सेंडर होता है ना वो अपना सोर्स इनकोडिंग करता है, मतलब कि जो वो इन माहिती है या आप बोल सकते हो जो वो डेटा है या इन्फॉर्मेशन है या कोई आइडिया है वो जो भी शेयर करना चाहता है, वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको इकट्ठा करेगा, उसको इनकोड करेगा, उसके बाद वो रिसीवर को भेजेगा किसी चैनल के थ्रू, वो मैसेज अपना भेजेगा।
उसके बाद रिसीवर क्या करेगा, वो सुनेगा कम्प्लीटली, उसके ऊपर जजमेंट लेगा, उसको एनालिसिस करेगा, उसके बाद वो कोई भी फीडबैक देगा। तो ये जो सारी सिस्टम है ना, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस बोलते हो, और लाइफ साइकिल भी बोल सकते हो कि इस प्रोसेस के होकर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो सकता है। तो ये हमारा हो गया कम्युनिकेशन की प्रोसेस। तो आपको ये भी आपको याद रखना होगा, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे कि आपको ये याद रहे। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि हमने जो कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस देखे थे उसके अंदर जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन देखे थे, तो वो वन टाइप ऑफ क्या है, कंपोनेंट है, मतलब कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कम्युनिकेशन का। तो उसके अंदर इन डिटेल आपको बताया गया है कि सेंडर का काम क्या है, चैनल का काम क्या है, रिसीवर का काम क्या है, तो वो यहाँ पे हमें देखना। तो सबसे पहले है सेंडर। तो सेंडर का मतलब मैंने कहा वैसा ही कि मतलब कि कोई भी जो पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है किसी और को या किसी ऑडियंस को, तो वो क्या वन टाइप ऑफ सेंडर बने। तो उसका क्या आप क्या होता है, पहले से वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन के दौरान देने वाला है वो इकट्ठी करके रखता है, उसको एनकोडिंग करके रखता है पहले से। तो इन डिटेल देखते हैं, इंस्टेंट द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय डेवलप आइडिया इनटू अ मैसेज नो एनकोडिंग। मतलब कि मैंने कहा वैसे ही कि जो सेंडर होता है वो सबसे पहले जो आइडिया है या अपना मैसेज वो पहले से ही डेवलप करके रखा हुआ है, और जिस जब भी वो कम्युनिकेशन करेगा तो वहाँ पे वो अपना मैसेज जो उसने पहले से ही क्रिएट करके रखा है वहाँ पे वो पास आउट करेगा किसी और को, मतलब कि रिसीवर को। उसके बाद है चैनल। तो चैनल का मतलब क्या, मैंने कहा वैसे आगे भी आगे हमने देखा था कि चैनल का मतलब एक मीडियम की तरह, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज होता है। मानो कि कोई सेंडर है, उसको कोई मैसेज कोई रिसीवर को भेजना है, तो वो किस प्लेटफॉर्म का यूज करेगा, वो मैसेज किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पास आउट करेगा, तो वो वन टाइप ऑफ क्या है, चैनल। तो सेंडर ट्रांसमिट मैसेज थ्रू अ चैनल और अ मेथड ऑफ डिलीवरी। मतलब मैंने कहा वैसे कि जो सेंडर होता है उसको मैसेज जो ट्रांसमिट करता है तो वो किसी चैनल के थ्रू करता है। आप एग्जांपल की तरह ले सकते हो कि जो कंपनी लेवल या जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है तो उसके अंदर सारी की सारी जो कम्युनिकेशन होती है वो किस चैनल के थ्रू होती है, ईमेल के थ्रू। मतलब कि जो कंपनी होती है उसके अंदर सारी के सारी कम्युनिकेशन होते हैं वो ईमेल के थ्रू होता है, तो वैसे ही है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है कि ईमेल के थ्रू आप पास आउट कर सकते हो, मतलब कि सेंडर है वो ईमेल के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, रिसीवर को मैसेज सेंड कर सकते हो, फोन कन्वर्जेशन से भी कर सकते हो, जैसे कि हमने आगे के लेक्चर में ही देखा था कि फोन कन्वर्जेशन हम कैसे कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो, फेस टू फेस डिस्कशन कर सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए जो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर यूज होते हैं ज्यादा। तो ये हो गए हमारी चैनल। उसके बाद है रिसीवर। तो रिसीवर का मतलब क्या है, मतलब कि जो भी कोई मैसेज जो सेंडर भेजता है वो जो रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर। तो ये हो गया रिसीवर। रिसीवर का काम एग्जैक्टली क्या होता है, जो भी कोई इंफॉर्मेशन है जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उस दौरान क्या होता है कि जो सेंडर होता है या आप कोई भी मैसेज कोई भी चैनल के थ्रू आप पास आउट करते हो, तो वो सामने वाला जो भी पर्सन होता है वो वन टाइप ऑफ क्या बन जाता है, रिसीवर, मतलब कि आपको वो सुन रहा है। तो जो रिसीवर होता है वो कम्प्लीटली आपका जो भी मैसेज है या आपके कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सुनता है, उसके अंदर कोई भी जजमेंट लेता है, उसको एनालाइज करता है, उसके वहाँ पे डाउट हो तो वो क्लियर आपको करने के लिए वो कोई रिस्पॉन्स भेजता है। तो ये एक रिसीवर का काम होता है। दिस मैसेज द मूव थ्रू द चैनल टू द रिसीवर वो कम्प्लीट द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय इंटरप्रेटिंग एंड असाइनिंग मीनिंग टू द मैसेज नो एज द डिकोडिंग। मैंने कहा वैसे ही कि जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करता है वो किसके पास जाता है, रिसीवर के पास। उसके बाद क्या करता है वो, यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। मतलब कि जब रिसीवर के पास मैसेज जाएगा या रिसीवर जब उसको रिसीव करेगा तो उसके बाद उसके अंदर क्या करेगा, वो सोचेगा, उसके अंदर एनालाइज करेगा, उसके बाद उसको फीडबैक देगा। तो वो यहाँ पे एक कम्प्लीटली बोल सकते हैं कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस कम्प्लीट हो चुकी। तो ये काम है रिसीवर का। उसके बाद है फीडबैक। फीडबैक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको गोल्डन एमपी की तरह याद रखना है, कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। आगे के लेक्चर में हमने इन डिटेल देखा था कि फीडबैक के अंदर किस किस चीज़ तरह का हो सकता है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसा होना चाहिए, उसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, वो भी हमने देखा था। तो यहाँ पे हम उसकी शॉर्ट इन देख सकते हैं, एज अ बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फीडबैक का, या कितना उसका इम्पोर्टेंट रहता है। दिस इज अ क्रिटिकल कम्पोनेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस।
जो ये फीडबैक है, एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि इट इंश्योर अ मैसेज वॉज प्रॉपरली रिसीव एंड इंटरप्रेटर। मतलब कि आप इसके जरिए आप अपना कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा है या फेल हुआ है वो आप जान सकते हो। मतलब कि जब भी आप कम्युनिकेशन कंप्लीट करते हो और रिसीवर आपको कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, आपको फीडबैक देता है, तो उस फीडबैक से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी बात है वो सामने वाले जो भी पर्सन है या रिसीवर है उसको अंडरस्टैंड हुई, वो इससे एग्री है या नहीं है, आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा, तो वो आप इसके जरिए आप देख सकते हो या आप बता सकते हो। तो ये एक फीडबैक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने हमारे कंपोनेंट्स देखे। पहला था सेंडर। सेंडर का मतलब क्या था कि हम कोई भी मैसेज सेंड करता है या प्रोवाइड करना चाहता है किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के जरिए, तो वो क्या वन टाइप ऑफ हो जाता है, सेंडर होता है। सेंडर क्या करता है, किसी भी मैसेज को किसी भी चैनल से, लाइक आप देख सकते हैं ईमेल, फोन कन्वर्जेशन, इंस्टेंट मैसेज से कोई भी इंफॉर्मेशन पास आउट करता है, तो वो क्या हो गया, तो वो एक चैनल ही हो गई ना। तो उसके बाद है टाइप्स। तो हम देखने वाले हैं अब टाइप्स के बारे में, मतलब कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो हम इसके टाइप्स के बारे में देखें। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे टाइप्स दिखाए गए। पहला है वन टाइप, टू टू वे, दूसरा है वर्बल इंफॉर्मेशन, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लिटरल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन एंड मास कम्युनिकेशन। तो इस टाइप को हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वन वे कम्युनिकेशन। तो वन वे कम्युनिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नाम से भी पता चल जाएगा कि वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। मतलब कि एक ही डायरेक्शन में क्या होता है इसके अंदर कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शनल ओनली। मतलब कि आप किसी एक डायरेक्शन के अंदर ही क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो या मैसेज अपना ट्रांसफर कर सकते हो, फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, सेंडर से लेकर रिसीवर तक। देर आर नो अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसीवर टू गिव फीडबैक टू सेंडर। मतलब कि यहाँ पे आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे कि आप जो रिसीवर है उसका आप मैसेज या आपका रिस्पॉन्स मिल सके। तो ये बात आपको याद रखनी है, मतलब कि ये वन वे है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वेदर रिपोर्ट ऑन टेलीविजन, वेदर रिपोर्ट जो आपको दिखाया जाता है, तो वो आपको सिंपल क्या देते हैं, आपको इन डिटेल माहिती ट्रांसमिट करते हैं ना, बट आप उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे सकते आप रिसीवर होके भी। तो ये क्या हो गया, वन वे कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद न्यूज़पेपर है, रिकॉर्ड ऑफ म्यूजिक है, तो वो सब क्या है, वन वे कम्युनिकेशन। ये देखा वन वे। यहाँ पे आपको चार्ट भी दिखाया गया है आपकी स्क्रीन पे। जो सेंडर होता है वो एक ही डायरेक्शन में रिसीवर को मिलता है, मतलब कि रिसीवर से कुछ हमें रिसीव नहीं होगा, तो ये बात याद रखनी। उसके बाद है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे का मतलब कैसे, यहाँ से टू वे का मतलब सिंपली जो भी वन वे था उससे उल्टा है। वन वे के अंदर हम रिसीवर के पास से कुछ नहीं ले सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि दोनों जो पार्टी से, मतलब कि रिसीवर है और सेंडर, दोनों एक दूसरे की बात अपने सामने रख सकते हैं, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे से अपना रिस्पॉन्स भी ले सकते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। टू वे कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन इन विच बोथ प्रैक्टिस इन्वॉल्व ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो दोनों पार्टी होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती है और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकती है। टू वे कम्युनिकेशन हैज ऑल्सो रिफर्ड टू एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब कि ये टू वे कम्युनिकेशन है ना, वो वन टाइप ऑफ क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये आपको याद रखना है। तो हम इन डिटेल देखेंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, बट यहाँ पे आपको सिंपल इतना याद रखना है कि जो टू वे कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जैसा ही है। उसके अंदर कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, आप बिजनेस के रिलेटेड देखने जाओ तो आप चैट भी कर सकते हो, इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज कर सकते हो, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा टू वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप, हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल लेक्चर ने क्या क्या बताया। तो सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन देखा कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, उसके बाद हमने उसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन की देखी, मतलब कि रियल में जो कम्युनिकेशन था वो कैसे क्रिएट हुआ था, उसकी डिफिनेशन क्या थी, वो सब हमने देखा। उसके बाद हमने बिजनेस कम्युनिकेशन देखा, तो उसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन में देखा था कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन जो कॉमर्शियल बेनिफिट के हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हो, तो वन टेप वो क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो वो एक हमने देखी थी।
उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट देखा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है जो बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर कर सकते हैं, या इसके इम्पोर्टेंट क्यों हम करना चाहते हैं, तो वो सब यहाँ पे हमने देखा था। उसके बाद हमने देखी थी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसके अंदर हमने देखा था कि सेंडर कौन है, चैनल कौन है, मैसेज रिसीवर और उसका फीडबैक क्या है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, तो वो सब हमें इन बिटवीन देखा था। यहाँ पे हमने उसकी जो चार्ट भी देखा था कि उसके लाइफ साइकिल कैसे काम करती है। उसके बाद हमने इन डिटेल देखा था कि सेंडर क्या है, जो भी मैसेज है वो क्रिएट करता है, वो डेवलप करता है और उसको रिसीवर को प्रोवाइड करता है, तो वो काम किसका है, सेंडर का है। चैनल का मतलब क्या है कि जो सेंडर होता है वो अपना मैसेज किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि ईमेल, फोन कन्वर्जेशन, इंस्टेंट मैसेज, तो उसके जरिए किसी भी एक जो उसका वे है उसके जरिए या उसका प्लेटफॉर्म है उसके जरिए रिसीवर को भेजता है, तो वो वन टाइप ऑफ क्या हो गई, चैनल हो। उसके बाद हमने रिसीवर देखा था, मतलब कि जो मैसेज रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर। और उसके बाद फीडबैक भी देखा था। और उसके बाद हमने टाइप्स देखी, टाइप्स के अंदर हमने देखा था वन वे, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जाता है सेंडर टू रिसीवर। उसके बाद टू वे में देखा था, टू वे के अंदर हम दोनों वे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप, हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, वो आपको यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिलअप करना होगा। थैंक यू।